नमस्कार, शाला दर्पण पर वैकेंट सीट देखने के लिए आप अपने स्टाफ कॉर्नर की आईडी को ओपन कीजिए। स्टाफ कॉर्नर आईडी पे पूरी डिटेल हम देख सकते हैं, ये शुरू कर दिया गया है। तो इसके लिए स्टाफ कॉर्नर की जो पर्सनल आईडी है उसको ओपन कर लीजिए और यहाँ जो तीन लाइनिंग दिखाई दे रही है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ रखे हैं जिसमें रिपोर्ट्स जहाँ लिखा है उस पर क्लिक कीजिए। रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे तो वैकेंसी लिस्ट दे रखा है उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ ये लिस्ट आ चुकी है इस प्रकार की। तो हमें सबसे पहले ऑप्शन में डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आप चूज करना चाहते हैं, जैसे बीकानेर। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और जहां बेल आइकन शो हो रही है उसको क्लिक करें और ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको भेजे जा सकें। उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें और शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि रोज़ाना नई अपडेट मिल सकें। बीकानेर में आपको ब्लॉक चूज करना है, जैसे बीकानेर, और यहाँ पंचायत। यहाँ स्पेशल कोई पंचायत में आप सीट देखना चाहते हैं तो उसको क्लिक कर लीजिएगा। अगर स्पेशल नहीं देखना चाहते हैं, सभी ग्राम पंचायतों में वैकेंट देखना चाहते हैं, तो ऑल पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद पहला कॉलम स्कूल टाइप में जो है, पहला है सेकेंडरी का, दूसरा एलिमेंट्री और तीसरा ऑफिस। तो आपको थर्ड ग्रेड टीचर की अगर वैकेंट सीट देखनी है तो एलिमेंट्री पे क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद पोस्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे, टीचर ग्रेड थर्ड, लेवल टू या लेवल फर्स्ट या पीटीआई हैं तो वो अलग अपना कॉलम चूज कीजिएगा। सब्जेक्ट चूज करेंगे जो भी है, इंग्लिश। अब हमारे सारे कॉलम कंप्लीट हो चुके हैं और गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पहले में एसआर नंबर, दूसरे में स्कूल कोड दे रखा है और उसके बाद स्कूल नेम, उसके बाद विलेज या वार्ड दे रखा है। वार्ड नंबर 13 में पहला स्कूल है जो यहाँ सीट वैकेंट है। स्कूल कैटेगरी कक्षा 1 से 8 तक का विद्यालय है ये, और वैकेंसी एक एक पद खाली है। जो सब्जेक्ट आपने भरा है यानी अंग्रेजी का एक पद यहाँ खाली है बीकानेर के अंदर। इस प्रकार यहाँ लिस्ट पूरी दे रखी है जहाँ जहाँ वैकेंट सीट है। जो पहले यह शुरू नहीं था अब इसे चालू कर दिया गया है। तो ट्रांसफ़र के लिए कभी भी अप्लाई किया जा सकता है, कभी भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। वैकेंट पद है वो देख लीजिए और इसके फॉर्म जैसे ही भरे जाएंगे और कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है उसका पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दिया जाएगा। जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि शिक्षा विभाग की सभी जानकारी और ट्रांसफ़र की विशेष तौर से आपको जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।